सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आप सबको रमज़ान में स्टडी करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल ऑल टाइम एक्टिविटीज़ को सब्सक्राइब करें। प्लान योर टाइम टेबल एज फार इन एडवांस एज पॉसिबल, मतलब ये है कि आप अपना टाइम टेबल पहले से तैयार करके रख लें, क्योंकि हम लोग टाइम टेबल तो आम रूटीन में भी बनाते हैं, क्योंकि हम रमज़ान में भी हम लोगों को टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जानते हैं कि हमें टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों बनेगी। बाय प्लानिंग इन एडवांस यू विल नो हाउ यू बेस्ट रिवाइज एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क अर्ली ऑन, विच शुड हेल्प यू मैक्सिमाइजिंग योर एफिशिएंसी। पता चलेगा कि हमारा कितना बेस्ट रिवाइज हो रहा है और कितना हम लोग ऑर्गेनाइज हैं, और हम लोग अपनी एफिशिएंसी भी मालूम कर पाएंगे कि वो कोई काम करने के लिए कितने काबिल हैं। एनश्योर यू आर वेल रेस्टेड एज पॉसिबल थ्रू फास्टिंग कैन मेक यू फील लेथर्जेटिक, गेटिंग एज मच स्लीप एज पॉसिबल विल हेल्प यू मैनेज दिस। प्लानिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप में बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं हैं और पूरे रेस्टेड हैं, ताकि आप जब पढ़ने बैठें तो बिल्कुल भी थके हुए ना हों। Try to make good food choices when eating a सहरी प्री डॉन मील। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आप जब सहरी कर रहे हों तो कुछ अच्छा पकाया करें खाने के लिए, और जो आपको पसंद हो वो बनाया करें, ताकि आप पूरे दिन फुली चार्ज हों और अपनी मर्जी से टाइम टेबल जो आपने बनाया है उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकें अपने एग्जाम्स या फिर पेपर्स की। तो अब मैं अपनी वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ऑल टाइम एक्टिविटीज़ को सब्सक्राइब कर दें।